हेलो फ्रेंड्स, जल्दी से तैयार हो जाइए। आज हम आपको विभिन्न देशों की संसदों के बारे में विस्तृत जानकारी बताने वाले हैं और सभी क्वेश्चंस आपको बड़ी आसानी के साथ याद करवाने वाले हैं। संसदों से कई क्वेश्चंस आते हैं और आज हम संसद से जुड़े हर एक प्रश्न को याद कर लेंगे और गारंटी है मेरी वीडियो का में अगर आप अंत तक बने रहे तो आपको सारे प्रश्न वैसे के वैसे ही याद हो जाएंगे। तो देखते हैं, हम पहला जो हमारा संसद है वो भारत देश की संसद का नाम क्या है? संसद। ये तो सभी को पता है कि भारत की संसद का नाम क्या है? संसद। आगे चलते हैं अन्य देशों की संसद के लिए। तो अन्य देशों की संसद में चले, दूसरे नंबर पर आ रही है रूस। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। रूस, ड्यूमा। जब कोई गुस्सा हो जाता है अपन से तो वो अपनी सहायता नहीं करता है, तो क्या याद आ जाती है अपन को? मम्मी याद आ जाती है, तो ड्यूमा माँ याद आ जाती है। और माँ सबको याद आती है, और माँ जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। ये भी सही बात है दोस्तों, अपने माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से जो है हमको पाला पोसा और बड़ा किया है, और हम अपने कर्तव्य को निभाते हुए इतनी पढ़ाई करें कि एक जॉब तो कम से कम हमारी हो। तो बहुत ही आसान है जॉब पाना। आज बने रहिए वीडियो के साथ में, आपको सारे क्वेश्चन याद कराते हैं। देखिए, हम तीन क्वेश्चन को एक साथ लिखा है, तीन देशों की संसद, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पाल। ये तीनों देशों की संसदों का नाम एक है। तीनों देशों की संसद क्या है? तीनों देशों की संसद का नाम है पार्लियामेंट। तो हम एक कहानी टाइप इसको लेके चलते हैं कि एक मेले के अंदर एक पिताजी और एक माताजी और एक बच्चा गया। तो बच्चे ने कहा कि मम्मी मुझे अलग से सामान लेना है। तो बच्चे ने सामान लिया, तो बेटा क्या हुआ, मेले में घूमता रहा। आपने कहानी सुनी होगी कि एक बच्चा रहता है जो किताबों में काफ़ी बार पढ़ी है हमने, वो अपनी माँ से बोलता है कि मम्मी मम्मी मेरे को मेले में घूमने जाना है, तो मुझे कुछ पैसे दे दे। माँ के पास पैसे होते नहीं है। फिर वो बच्चा जिद करता है और जिद करते करते उसकी माँ उसे पैसे दे देती है मेले में घूमने के लिए। तो बेटा मेले में घूम के चला आ जाता है, और आने के बाद उसकी माँ पूछती है कि बेटा मेले में से क्या लाया। तो पैसे ज़्यादा नहीं थे उसके पास में, तो उसने एक मेले में से जो वस्तु खरीदी उसके माँ के हाथों में रखी, तो उसकी माँ के आंखों में आंसू आ गए। तो आपको पता होगा वो चीज़ क्या है, आपने पढ़ा होगा। तो वो वस्तु थी एक चिमटा। उसने कहा, माँ जब तू खाना बनाती है ना तो तेरा हाथ जल जाता है, इसलिए मैं मेले से चिमटा लाया हूँ ताकि तेरा हाथ ना जले। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं लाया, तेरे पास पैसा नहीं था तो भी तूने मुझे दिया। तो उसी प्रकार से ये कहानी है। तो मान लीजिए वो बेटा चिमटा नहीं लेके आए, और कुछ आजकल के जो बच्चे हैं उसमें से कोई बच्चा अपन मान ले, और वो मेले में गए पति पत्नी यानी मम्मी पापा और बेटा। तो बेटा अलग से चला गया, उसके पास पैसे थे, तो वो चला गया मेले में। तो उसने क्या लिया, जो भोंगरा फाड़ खेलते हैं ना, भोंगरे रहते हैं, भोंगरी जो फिराने वाली रहती है, तो उसका एक सूत ले लिया। और वो आया तो उसके पिताजी ने पूछा, बेटा क्या लिया? तो बेटे ने बताया, पापा ये लिया। तो मम्मी ने क्या बोला, बेटे ने नाड़ा लिया। क्या लिया? बेटे से हो गया ब्रिटेन, नाड़ा लिया, लिया नाड़ा, और नाड़ा से हो गया कनाडा, और लिया से हो गया क्या, ऑस्ट्रेलिया। तो इन तीनों की संसद क्या है? बेटे ने नाड़ा पा लिया, अपन ऐसा बोल सकते हैं। बेटे ने क्या कर लिया, नाड़ा पा लिया। तो तीनों एक साथ याद रखेंगे, ब्रिटेन की संसद का नाम है पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट, और कनाडा की पार्लियामेंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से तीन के पाँच हमने कर लीजिए। पहली हमने करी थी भारत की संसद का नाम भारत, की संसद का नाम संसद, रूस की ड्यूमा, जब कोई गुस्सा हो जाता है हमसे और चिल्लाता है हमारे ऊपर तो मम्मी याद आ जाती है, और माँ से हमने अगला सीख लिया बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो संसद का नाम है उसका नाम है जाति संसद। तो बांग्ला एक जाति भी होती है, उसे हम डिनोट कर सकते हैं। मलेशिया, मलेशिया और मजलिस, मैंने दोनों एक साथ लिए हैं, मलेशिया और मजलिस। देखो होता क्या है कि जब हम एक कहानी के थ्रू इस दोनों को भी याद करते हैं कि शादी में जाते हैं, तो शादी में जाते हैं तो रात में जो है काफ़ी भगदौड़ रहती है। मान लो आपकी शादी होती है, तो शादी के समय काफ़ी भगदौड़ होती है और नींद निकालने का यानी सोने का समय नहीं मिलता है। तो जहाँ भी आपको सिया मिलती है, दहेज का जो आइटम पड़ा है उस पर जाकर आप सो गए, पलंग दिए थे ना उस पर, तो पलंग पर जाकर आप सो गए, तो ये क्या हो गया, मलेशिया। शिया से हो गया मतलब सैया, मतलब सोने का स्थान। तो व्यक्ति क्या करता है, आराम से सो जाता है। दीवान, दीवान भी रहता है ना, पलंग को दीवान भी बोलते हैं, सैया और दीवान। तो इससे क्या हो जाएगा, अपना हो जाएगा दीवाना निगारा। मलेशिया का हो गया दीवाना निगारा। अगले दो अपन एक साथ लेते हैं, ईरान और मालदीव।
ईरान और मालदीव। देखो होता क्या है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरी लैंग्वेज अलग है, और जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ तो मेरी लैंग्वेज अलग होती है। तो हर जगह जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरी लैंग्वेज अलग होती है, मैं मेरे दोस्तों के बीच होता हूँ तो मेरी लैंग्वेज अलग होती है, वही सभी के साथ है। तो होता क्या है, जैसे आपकी नौकरी लग जाएगी, नौकरी लगने के बाद में आप कलेक्टर बन जाएंगे, मैं चाहता हूँ कि आप कलेक्टर बने, शायद आप भी चाहते हो और चाहता है हर कोई है, पर अपने लक्ष्य तक पहुँचने में काफ़ी समय उसको लगता है, और जो ईमानदारी से मेहनत करेगा निश्चित रूप से वो कलेक्टर, क्या वो चाहे तो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, क्योंकि अपने देश का प्रधानमंत्री चाय वाला है, तो उससे कुछ सीख लेनी चाहिए। APJ अब्दुल कलाम की बात करें तो जो पेपर वाला होता ना, पेपर फेंकते थे हर घर में। अंबानी की बात करें जो एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, तो वो क्या करते थे, उनके पिताजी क्या करते थे, उनके पिताजी जो हैं बस पे पोछा लगाते थे, पकौड़े भी बेचे उन्होंने, तो काफ़ी अच्छी हिस्ट्री रही है। पर लोग आजकल क्या करते हैं, बहाना करते हैं, बहाना क्या करते हैं कि ऐसा समय नहीं रहा है, समय सब कुछ है, आप मेहनत करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। ईरान और मालदीव दोनों की राजधानी मजलिस, सॉरी संसद का नाम है मजलिस। तो ईरान देखो होता क्या है, कोई कलेक्टर बन गया तो वो सबके सामने तो ऐसे मस्ती नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, किसी वीरान जगह में जाएगा, वीरान जगह में जाके क्या करेगा, मजलिस, मज़े लेगा, ठीक है, मज़े लेगा, मस्तियाँ करेगा, सब कुछ करेगा। और ये मज़े लेने वाली बातें किनके साथ होती है, आप लोगों को नहीं लेना है, जिसके पास माल होता है। मालदीव, जिसके पास माल होगा वही मज़े करेगा। भविष्य में अगर आपको मज़े करने हैं तो अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, और नहीं तो आप ना मज़े नहीं कर पाएंगे। तो दोनों की राजधानी क्या होगी, ईरान वीरान जगह देखकर मज़े लेंगे, और मालदीव से मजलिस। स्वीडन, अगली आपकी आती है, संसद का नाम है स्वीडन। स्वीडन की बात करें तो स्वीडन से अपन समझेंगे मिठाई, स्वीड, स्वीड देखो, स्वीड, स्वीड सारा मिठाई। तो जब आप मिठाई लेकर कहीं जा रहे हो तो रास्ते में चार पांच कुत्ते नजर आए, छोटे से बच्चे हैं, 4-5 साल के हैं, तो चार पांच कुत्ते नजर आए तो क्या कल्पना करेंगे आप, क्या आप उसी गली से निकलने की कोशिश करेंगे जिस गली में वो कुत्ते खड़े हैं, नहीं, ऐसी रिक्स नहीं लेंगे, क्योंकि वहां पर डॉग है। जब आपके पास मिठाई होती है तो आप रिक्स नहीं लोगे, डॉग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगली संसद है आपकी नॉर्वे। नॉर्वे, नॉर्वे से ऐसा लगा नाव, नॉर्वे को अगर ये हटा दें तो क्या आ जाएगा, नाव, नाव, और नाव कहाँ होती है, पानी के अंदर। और स्टोटिंग, स्टोटिंग को बोलते हैं टोटी, टोटी मीन्स होता है स्टोटिंग, टोटी मीन्स होता है नल। तो नॉर्वे से हो गया, नाव से हो गया, टोटिंग पानी से संबंधित है दोनों, तो अपन दोनों समझ जाएंगे। वैसे ही भूटान, भूटान तो सोंगड़ू, आपने गाना गाना सुना होगा, काली भूत पड़ी रास्ता में साइकिल पंचर कर लाए। तो दोस्तों आपने बहुत सारी नाटक भी देखी है टीवी पर, कभी काफ़ी सीरियल आते हैं और सीरियल में भूत की नाटक आती है, तो बहुत सारे घर के सदस्य बोलते हैं कि इसको बंद कर दे, इतनी खतरनाक जो है सीरियल हमको नहीं देखना है, हमको डर लगता है फिर रात में डरेगा, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो भूसी बार क्या बोलते हैं, जैसे कोई भूत आ जाता है, भूटान, भूटान पड़ा रास्ता में साइकिल पंचर कर लाया, तो मतलब एक कि भूत आ जाता है तो हम क्या करेंगे, गाना गाना शुरू कर देंगे, गाना गाना, सोंग, सोंगड़ू, सोंग गाना शुरू कर देंगे, तब सोंगड़ू। आगे चलेंगे 13 नंबर पे, स्पेन। स्पेन की क्या है, कॉर्टेक्स। देखो यहाँ पर हमने दीवाना निगारा पढ़ा था, किसकी संसद है, दीवाना निगारा संसद हमने पढ़ी थी, मलेशिया की, मलेशिया की संसद है दीवाना निगारा। तो शादी से हमने याद रखा था, अब मान लो किसी की शादी हो रही है तो शादी से पहले वो क्या करेगा, सूट लाएगा, सूट कौन सा, कोट लाएगा, तो कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। तो वहाँ क्या होता है, किराए पर अपन कोट लेके आते हैं, तो कोट में क्या रहता है, पेन भी निकलता है। तो वो जो बंदा जिसकी शादी होती रहती है वो क्या पूछता है, अरे यार ये पेन कहाँ लगाऊँ, इस पेन को मैं कहाँ लगाऊँ, कोट के अंदर। तो कोट के अंदर क्या हो गया, कॉर्टेक्स और स्पेन, स्पेन और कॉर्टेक्स। तो इससे हम समझ जाएंगे स्पेन की संसद का नाम क्या है, कॉर्टेक्स। जर्मनी, बुट्सडे, जर्मनी को हम पढ़ते हैं जंग लगने से, जर्मनी, 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 जर्म यानी जंग लगना, जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगली संसद का नाम है जर्मनी, जर्मनी की संसद का नाम है बुट्सटेक, बुट्सटेक, टेक का मतलब है छोटे छोटे, टेक छोटे छोटे क्या बन जाना, इस टाइप से निशान बन जाना। तो अपन देखते हैं कि जब जंग लगता है तो क्या होता है, लोहे का पाइप है उस पर जंग लग गया तो क्या हो गया, निशान लग जाएगा, तो बुट्सटेक। और उसको अपन मालवी भाषा में अगर बोले तो लोहा क्या हो जाएगा, बिगड़ने लग जाएगा, ठीक है। तो जस्ते की परत चढ़ाते हैं, गैल्वेनीकरण बोल करते हैं उसका, जिससे जो है जंग नहीं लगता है। जापान, जापान की संसद का नाम है डायट, जापान। अब अगर ऐसा पढ़े खान पान, खान पान से, खान पान अच्छा होगा तो डाइट, खान पान को क्या बोलते हैं, डाइटिंग कोर्स कर रहा हूँ, डाइट, डाइट बोलते हैं ना ऐसे, तो इससे भी समझ जाएंगे जापान का हो गया डाइट। पोलैंड, आपने देखा होगा पोलैंड, और सो जिम, जिम का मतलब ये समझे कि कसरत करने वाला, जो एक्सरसाइज करते हैं वो जिम, तो जिम में क्या हो जाएगा, पोल।
आप देखते हैं बड़ी बड़ी मशीनें होती है जिम के अंदर, उन सबको काय पे खड़ी करके रखते हैं पोल के ऊपर, तो पोलैंड की क्या हो जाएगी, 100 जिम। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान और फ्रांस दोनों एक साथ इसलिए रखें दोस्तों क्योंकि दोनों की राय जो संसद है वो एक है, पाकिस्तान और फ्रांस। आपने देखा है पाकिस्तान और भारत की बनती नहीं, हमेशा जो है इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो जितनी पब्लिक इकट्ठी होती है वो अन्य अन्य मैचों में नहीं इतना देखने को नहीं मिलती है। तो भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ होती है। अब क्या होता है, पाकिस्तान क्या करता है कि नेशनल स्तर पर मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहता है। अभी हम बोल देखते हैं सीज फायर करता, कभी जो है गोलाबारी करते हैं, कभी वहाँ से आतंकवादी यहाँ प्रवेश करते हैं, पाकिस्तान की बॉर्डर पर कहीं दिक्कतें हैं। पाकिस्तान की बॉर्डर अगर बात करें तो रेड क्लिप रेखा भी वहीं है, तो उसको ऐसे याद रखते हैं रेड क्लिप रेखा को, कि जो है वहाँ पर भारतीय जवानों का खून ज़्यादा बहा है इसलिए वो रेखा क्या हो गई है, रेड हो गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा हो गई है वो रेड हो गई है। आगे बात करें तो पाकिस्तान और फ्रांस की असेंबली का नाम, तो पाकिस्तान क्या करता है, हमेशा क्या करता है, नेशनल स्तर पर गलती करता है। नेशनल असेंबली, इसका मतलब नेशनल असेंबली, नेशनल स्तर पर गलती करता है और फंस जाने पर बहाने करता है। तो पाकिस्तान का हो गया नेशनल असेंबली, फंस जाने पर हो गया नेशनल असेंबली, दोनों का क्या हो गया, नेशनल असेंबली। नेपाल, नेपाल का क्या हो गया, राष्ट्रीय पंचायत। देखो होता कि नेपाल की बात करें तो राष्ट्रीय पंचायत किस प्रकार से हो गया, पाल इकट्ठे होते हैं, पंचायत की जाती है तो वहां पर क्या करते हैं, एक पाल बिछा देते, ले पाल, पाल लिया और बिछा देते और उसको क्या बोल देते, पंचायत करने लग जाते हैं, बैठ जाते हैं बहुत सारे लोग एक जगह, गांव में बहुत सारी पंचायत होती है आपने देखा होगा दोस्तों। आगे देखते हैं मिश्र, मिश्र की होगी पीपुल्स असेंबली, पीपुल्स असेंबली। देखो मिश्र की बात करें पीपुल्स असेंबली तो पीपुल्स का मतलब होता है जनता, बहुत सारी जनता, तो भाई बहुत सारी जनता से मिलने पर क्या बनती है, असेंबली, तो मिलने से असेंबली बनती है। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया, मिश्र, संसद में बहुत सारे लोग आके बैठते हैं, राज्यसभा लोकसभा सभी होती है उसके अंदर, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो यहाँ हम देखें मिश्र की बात करें तो क्या हो जाएगा, पीपुल्स असेंबली, मिश्र का क्या हो जाएगा, पीपुल्स असेंबली। कैसे याद रखा, बहुत सारे पीपुल्स से मिलने से क्या बनती है, असेंबली बनती है, तो क्या हो जाएगा, पीपुल्स असेंबली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों चीन, चीन, अब पीपुल्स से बात आई थी जनसंख्या की, तो चीन के पास नेशनल स्तर पर क्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और अगर बात भारत में बात करें तो कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा राज किया है, सबसे अमीर पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी तो अभी आई है, ठीक है। चीन, चीन की बात करें नेशनल स्तर पर सबसे ज़्यादा पीपुल्स हैं उसके पास में, तो सबसे ज़्यादा अमीर भी है और पीपुल्स भी है, तो अमीर तो नहीं बोल सकते, सबसे ज़्यादा अमीर देश है कतर, ठीक है, याद रखने के लिए इस टाइप के तरीके अपनाए जा रहे हैं। आगे बढ़े आयरलैंड, आयरलैंड, आयरलैंड से ऐसा लग रहा है जैसे कोई आयर लैंड और आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा, आयरलैंड, आयरलैंड और आयरन, डेल आयरन, तो इन दोनों से हम याद रख लेंगे, आयर आयल नाम से इसको छोड़ा है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा। होता क्या है कि ट्रेन में एक आदमी बैठा रहता है, ठीक है, ट्रेन में एक आदमी बैठा रहता है तो पड़ोस में क्या करता है, दूसरा एक नौजवान युवक होता है वो क्या करता है, गाने चलाता रहता है, गाने चलाता रहता है। तो हुआ क्या, पास में जो व्यक्ति रहता है उसको नींद नहीं आती, शोर ज़्यादा होता है, तो वो क्या बोलता है, अब गाना लगाया ना तो ठीक नहीं होगा, खींच के तान दूंगा, अब गाना लगाया तो खींच के तान दूंगा, तो तानने से क्या हो गया, अफगानिस्तान, अब गाना लगाया तो अब गाना से हो गया ये, और शोर, शोर से हो गया शोरा, अब गाना लगाया तो गाने से क्या होता है, शोर। आगे देखिए तुर्की, तुर्की का क्या है, ग्रैंड नेशनल असेंबली। आपने देखा वो घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो तर्क वितर्क करते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो पहले वो बोलते करो बेटा वैसा मत करो, ये मत करो, है कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं आ रहे हो, तो वो क्या करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो वो कौन होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, ठीक है। आपका छोटा भाई आपसे ज़्यादा नहीं पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, बड़े जो होते हैं वो आपसे पूछते हैं, किसी भी चीज़ को अन्यथा न ले, सिखाने की कोशिश की जा रही है। तो नेशनल असेंबली तुर्की का क्या हो जाएगा, नेशनल, ग्रैंड, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, तो उससे क्या हो जाएगा, नेशनल असेंबली, ठीक है, फैमिली के अंदर होते हैं बड़े बुजुर्ग लोग। यूएसए, यूएसए का हो गया कांग्रेस, कांग्रेस की बात करें तो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका डेंजर जोन में है, और मतलब कहने का मतलब डेंजर है, बेसबॉल उसका राष्ट्रीय खेल है, डायमंड उसका परिसर है बेसबॉल का, 9 खिलाड़ी होते हैं, और यहाँ पर अगर बात करें तो यूएसए और भारत में सबसे ज़्यादा राज किया है कांग्रेस ने, तो कांग्रेस क्या हो गई, सबसे अमीर पार्टी, तो यूएसए क्या हो गया, अमीर से अपन समझ जाएंगे यूएसए। आगे बढ़ते हैं 25 के बाद में 26,
डेनमार्क। देखो एक्चुअल में क्या है कि एक मूवी चली थी गजनी मूवी। गजनी मूवी में क्या हुआ था कि लोगों ने क्या करा, बिल्कुल गजनी जैसी कटिंग करवा ली, और गजनी जैसी कटिंग करवाने के बाद क्या किया, गंजे हो गए बिल्कुल, और गंजे होने के बाद क्या किया, मार्क लगवा लिए जो हल्के हल्के से रहते थे, जैसे माथा है, जैसे माथा है तो इसके अंदर थोड़े से बाल कटवाने के बाद ऐसे कई मार्क लगवा लिए, कई बार मार्क लगवा ली। एक 30 मार्क हाँ चली थी जिसमें आँखों के ऊपर उसने वो लगा रखा था एक पिन टाइप, तो उन्होंने आँखों के ऊपर एक पिन टाइप लगवा लिया। तो जैसे कुछ लोग बिहेवियर करने की कोशिश करते हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, पर ये नहीं देखते उसने यहाँ इस स्तर पर पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है। उतनी मेहनत करके खुद भी एक्टर बने ना, तो वैसे तो डेनमार्क, तो मार्क देने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉल कटिंग। मान लो कोई व्यक्ति नाई की दुकान पे जाता है तो वो कहता है कि मेरे को ऐसे गजनी जैसे मार्क दो, तो वो क्या करेगा, फुल कटिंग करनी पड़ेगी, पूरा गंजा करेंगे, उसके बाद में आपको मार्क लगाएंगे, डेनमार्क, फिर तो दे दे के मार्क दे देंगे। ठीक है, अगला देखेंगे 26 के बाद 27, मंगोलिया। मंगोलिया की संसद का नाम क्या है, मंगोलिया की संसद का नाम है खुरल। अब देखो जैसे कि मैं आपने टारगेट एकेडमी ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में कोचिंग क्लास में आप पढ़ रहे हैं, मुझे कोई कार्य आ गया, मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा, तो मैंने क्या करा, एक टीचर मंगवाया आपके लिए, एक टीचर मंगवाया, वो टीचर मंगवाने के बाद में मैंने कहा उस टीचर से, तो उस टीचर ने मेरे से कहा कि सर मैं पढ़ाऊंगा तो सही आपकी कोचिंग में, पर मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा और बिल्कुल खुल के पढ़ाऊंगा। तो मैंने भी उसको बोला भैया तुमको हमने बाहर से मंगाया है तो आप एक काम करना खुल के पढ़ाना, तो मंगोलिया की संसद क्या हो गई, खुरल। अब बाहर से मंगाया है तो खुल के पढ़ाएगा ना, तो खुरल बिल्कुल। ताइवान, ताइवान की बात करें तो युआन, ताइवान की संसद का नाम क्या हो गया, युआन। युवान कैसे, जो बहुत से लोग कहते हैं कि युवा लोग जल्दी ताव में आ जाता है, युवा लोगों का खून क्या होता है, गर्म होता है, तो ताइवान, ताइवान ताव में कौन आता है, युवा, तो युवान ताइवान। इसराइल, इसराइल के संसद का नाम क्या है, नेसेट। इसराइल के संसद का नाम क्या हो गया, नेसेट। तो इसराइल, इसराइल सेट लीजिए मतलब नया सेट लीजिए, रॉयल का मतलब होता है नया, इसराइल। अगला है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। लैंड मीन्स क्या होता है, जमीन। लैंड मीन्स क्या है, जमीन। फेडरल का मतलब अपन समझे फ्रेंड, और असेंबली असेंबली। स्वीट, स्वीट का मतलब आपको बताया था रिच डॉग, उसकी जो है संसद का नाम है ना, स्वीडन की। ये स्विट्जरलैंड है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है। तो लैंड मीन्स मैंने बताया आपको जमीन, तो इस जमीन पर स्वीट लेकर आप कहाँ जा रहे थे भैया। घर पे भी ये सिखाया जाता है कि जो मिठाई जो होती है वो किसी एरे गेरे व्यक्ति से नहीं लेना चाहिए। एरे गेरे का मतलब जो अपरिचित व्यक्ति हो उन व्यक्तियों से ये मिठाई नहीं लेनी चाहिए, हो सकता है वो कुछ मिला के दे दे। तो किससे लेनी चाहिए, अपने फ्रेंड से जो असेंबली में रहते हैं, जो फ्रेंड से मतलब हो गया फेडरल। तो स्वीट किसको दी जाएगी, इस जमीन पर अपने फ्रेंड को या फ्रेंड से ही ली जाएगी, किसी अजनबी व्यक्ति से आपको नहीं लेना है। एक बार रिविज़न कर लेते हैं, बिल्कुल आपने सीख लिया होगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद होंगे। भारत की संसद का नाम, तो संसद है सभी को पता है। रूस की संसद का नाम क्या है, जल्दी से दिमाग में लाइए, इसका आंसर है ड्यूमा। उसके बाद है ब्रिटेन, ब्रिटेन की संसद का नाम, ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है, ब्रिटेन की मैंने बताया था पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट, कनाडा की पार्लियामेंट। मेले में गया था ब्रिटेन ने, क्या ब्रिटेन ने नाड़ा लिया। बांग्लादेश का क्या है, जातीय संसद। मलेशिया का क्या है, जब कोई सोने की जगह मिल जाएगी तो क्या होगा, मलेशिया यानी दीवाना निगारा। ईरान और मालदीव, ईरान और मालदीव, जिसके पास माल होगा वो चाहे कोई से भी पोस्ट पे हो वो क्या करेगा, वीरान जगह देखकर मजे करेगा। इसके बाद हम चलते हैं स्वीडन, स्वीडन की क्या बताया था मैंने, स्वीड लेके बच्चा कहीं जा रहा है तो क्या होगा, रिक्स तो है, रिक्स डॉग। नॉर्वे का नाव, नाव से समझ जाएंगे अपन क्या, स्टॉटिंग, नाव और स्टॉटिंग। भूटान की भूत रास्ते में आ जाता है तो क्या करेंगे, गाना गाना शुरू करेंगे, ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देंगे, तो सोंगड़ू, सोंग सोंगड़ू, ठीक है। ज्ञान गुण सागर, वाई जब दूल्हा बनता है तो क्या करते हैं, इस पेन को कहाँ लगाऊं यार, कोर्ट में लगाना भाई, कोर्ट के जेब में। जर्मनी, जर्मनी से हमने सीखा था जंग लगना, तो जर्मनी की क्या हो जाएगी, बुट्स टैग, टैग लग जाता है। जापान, जापान से क्या सीखा था, जापान खान पान, तो डाइट। पोलैंड, पोलैंड का क्या है, जिम के अंदर पोल रहते हैं, सो जिम। पाकिस्तान, पाकिस्तान का क्या है, नेशनल असेंबली। फ्रांस का क्या है, नेशनल असेंबली। जब पाकिस्तान नेशनल स्तर पर फंस जाता है तो नेशनल इश्यू बनाता है, नेशनल असेंबली। उसके बाद हम चलते हैं नेपाल, नेपाल की संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट। नेपाल, नेपाल की क्या है, नेपाल की संसद का नाम या पार्लियामेंट का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत। मिस्र की, मिस्र की क्या है, फेडरल असेंबली।
की है पीपुल्स असेंबली। आयरलैंड, डेल आयरन, अफगानिस्तान। पास में कोई गाना चालू करेगा तो क्या होगा? शोर करेगा, तो शोरा से क्या हो गया? शोरा। तुर्की, तर्क वितर्क करते हैं कौन? बड़े व्यक्ति, घर के बुजुर्ग व्यक्ति, जिनको ग्रैंड फादर बोलते हैं, तो ग्रैंड नेशनल असेंबली। यूएसए, सबसे अमीर पार्टी भारत की, कांग्रेस, बहुत राज किया है, तो यूएसए हो गया। डेनमार्क, जब आपको मार्क लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? फुल कटिंग करानी पड़ेगी। मंगोलिया, कोई टीचर को मैं मंगाता हूँ तो क्या करेगा? वो आपको खुलकर पढ़ाएगा। ताइवान, अगली संसद का नाम है ताइवान, ताइवान के संसद का नाम। युआन, इसराइल की नेसेट और स्विट्जरलैंड की जो है फेडरल असेंबली। स्विट्जरलैंड की कौन सी हो जाएगी? फेडरल, यानी आपको किससे लेना चाहिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आपने वीडियो को अंत तक देखा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और मैं आपके सामने लाता रहूँगा, और इस टाइप से ही मैं आपको क्वेश्चन याद करवाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो छोड़ने से पहले। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में आपके सामने फिर से उपस्थित होगा।